Hello, Ajay Mahato this side. I hope you all are doing fine there. In the last lecture of this video series, we discussed about Hershey and Chase experiment. और Hershey और Chase experiment में हम लोगों ने पढ़ा कि final ये conclusion हमको मिल गया है कि DNA is the genetic material, right? ये हम पढ़ चुके हैं कि DNA is the genetic material finally proved. Now we are discussing what is this DNA all about? What is the structure of DNA? What is the structure of a polynucleotide chain? We are discussing about the discoveries related to structure of DNA and the Watson and Crick model we are going to discuss in the further classes. Take your notebook and pen out. Start making running notes with me. Let's start the lecture. So as we know, DNA is deoxyribonucleic acid which acts as genetic material in most of the organisms. ये किसने प्रूव कर दिया था? Hershey and Chase ने. We discussed in last class, right? तो genetic material in most of the organism. ठीक है, कुछ viruses में हमने क्या पढ़ा है, कुछ viruses में RNA acts as जेनेटिक मटीरियल. आरएनए एक्ट्स एज जेनेटिक मटीरियल इन सम वायरसेस, राइट? राइबो न्यूक्लिक एसिड. डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड is nothing but DNA is the polymer of deoxyribonucleotides. It is the polymer of deoxyribonucleotides. Deoxyribonucleotide is a kind of polynucleotide chain. Polynucleotide chain. और इसी polynucleotide chain का क्या बना हुआ है? DNA. इसी polynucleotide chain का क्या बना हुआ है? RNA. What is the difference and what is polynucleotide, we'll discuss further. सबसे पहले हम ये समझते हैं कि what is nucleotide. ठीक, what is nucleotide? Nucleotide basically is composed of three things. Nucleotide is composed of three basic things. First of all, a pentose sugar. Second, nitrogen base, and third one is phosphate group. ये तीन चीजें मिलाकर क्या बनाती हैं? कोई भी न्यूक्लियोटाइड बनाती है. सबसे पहले बात करते हैं पेंटोज शुगर की. तो पेंटोज शुगर आर ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट राइबोज शुगर, which is in case of RNA, obviously, इसलिए हम उसको ribonucleic acid बोलते हैं, ठीक? And deoxyribose sugar in case of DNA, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? Deoxyribose sugar, इसलिए हम DNA को क्या बोलते हैं? Deoxyribonucleic acid. Structure में कोई difference है क्या? हाँ, बिल्कुल. अब जैसा मैंने बताया आपको, these both are pentose sugar. तो कुछ पेंटागन जैसा स्ट्रक्चर होगा, ये स्ट्रक्चर होगा. यहां पर क्या लगा हुआ होता है? कोई भी नाइट्रोजन बेस लगा हुआ होगा. सेकंड पार्ट दैट विल डिस्कस. यहां पर आरएनए है, सेकंड पोजीशन पर ओएच ग्रुप लगा हुआ होगा, फाइन. एंड थर्ड पोजीशन पर भी
क्या लगा हुआ होगा? OH लगा हुआ होगा। फोर्थ पोजीशन एच ग्रुप, एंड फिफ्थ कार्बन में कंटेन फॉस्फोरस ग्रुप, ठीक है, यहां पर लगा हुआ होगा फॉस्फोरस ग्रुप। अब यही पेंटोज शुगर अगर मैं डीऑक्सीराइबोज शुगर के लिए बना रहा हूं, यही पेंटोज शुगर अगर डीऑक्सीराइबोज है, तो बस एक चीज मुझे हटा देनी है, और वो क्या? वो ये कि यहां पर OH ग्रुप नहीं होगा, सिर्फ H ग्रुप होगा। इसका बहुत जरूरी इंपैक्ट है, ये हम समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट इंपैक्ट है कि वी सी इन केस ऑफ राइबोज शुगर देयर इज वन एक्स्ट्रा एडिशनल, देयर इज एडिशनल OH ग्रुप, देयर इज एडिशनल OH ग्रुप इन राइबोज शुगर, है ना। सेकंड पर, सेकंड डैश पर भी याद रखना, सेकंड डैश पर एडिशनल OH ग्रुप है विच मेक्स RNA मोर रिएक्टिव, जिसकी वजह से RNA क्या होता है, ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है, ठीक है, ये हम आगे करेंगे। तो इतना याद रखना कि सेकंड डैश पर एडिशनल OH प्रेजेंट है इन केस ऑफ RNA, इन केस ऑफ RNA, जिसकी वजह से RNA क्या बन गया, मोर रिएक्टिव। फाइन, दिस इज ऑल अबाउट पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर आर ऑफ टू टाइप्स। पेंटोज शुगर कितने टाइप के पढ़े हमने? दो टाइप के पेंटोज शुगर पढ़े, एक तो राइबोज शुगर और दूसरा डीऑक्सीराइबोज शुगर। राइबोज शुगर और डीऑक्सीराइबोज शुगर, दीज आर बोथ पेंटोज शुगर। राइबोज शुगर RNA के पास मिलेगा, डीऑक्सीराइबोज शुगर DNA के पास मिलेगा। व्हाट इज द डिफरेंस, कोर डिफरेंस बिटवीन देम? डीऑक्सीराइबोज शुगर में सेकेंड डैश पर, यानी कि सेकेंड कार्बन पर, सेकेंड पोजिशन पर कोई OH ग्रुप, कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं देखने को मिलेगा, बल्कि सिर्फ यहाँ थर्ड पोजिशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ राइबोज शुगर की, तो वहाँ पर थर्ड पोजिशन पर भी OH ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और सेकेंड पोजिशन पर भी, सेकेंड डैश पर भी एक एडिशनल OH ग्रुप देखने को मिलता है, विच मेक्स द RNA मोर रिएक्टिव। फाइन, विच मेक्स RNA मोर रिएक्टिव। नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट नाइट्रोजन बेस। तो नाइट्रोजन बेस आर ऑफ टू टाइप्स। नाइट्रोजन बेस दो टाइप के होते हैं, प्यूरिन एंड पायरिमिडिन। प्यूरिन में हम किस किस को कंसीडर करते हैं? वी कंसीडर एडिनाइन एंड ग्वानिन। तो मैं कैसे याद रखता हूँ? ए जी, तो ए एंड जी आर कंसीडर्ड एज एडिनाइन। ए एंड जी आर कंसीडर्ड एज एडिनाइन। और तीन पायरिमिडिन नाइट्रोजन बेस होते हैं, कौन कौन से? साइटोसिन, कट याद रखना, साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमिन। साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमिन। आउट ऑफ पायरिमिडिन, पायरिमिडिन की अगर हम बात करें, तो कौन सा पायरिमिडिन दोनों में कॉमन होता है, इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि विच पायरिमिडिन इज कॉमन, इज कॉमन इन DNA एंड RNA। ओके, DNA एंड RNA। तो साइटोसिन, साइटोसिन इज द पायरिमिडिन विच इज कॉमन फॉर बोथ, विच इज कॉमन फॉर बोथ इन केस ऑफ DNA एंड RNA। तो विच, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे विच पायरिमिडिन इज कॉमन इन DNA एंड RNA, तो आंसर वुड बी साइटोसिन, क्लियरली साइटोसिन। क्यों होगा आंसर इसका साइटोसिन, देखते हैं। भाई एक बात सुनो, इन केस ऑफ DNA हम समझते हैं कि इन केस ऑफ DNA जो पेयरिंग होती है बिटवीन प्यूरिन एंड पायरिमिडिन इज ऑफ ए डबल बॉन्ड से बाइंड करता है थाइमिन के साथ, और सी ट्रिपल बॉन्ड से बाइंड करता है ग्वानिन के साथ।
एंड इन केस ऑफ आरएनए ए बाइंड करता है यूरासिल के साथ, एडिनिन बाइंड करता है डबल बॉन्ड यूरासिल के साथ और सी ट्रिपल बॉन्ड ग्वानिन के साथ। तो एक डिफरेंस हमको क्या देखने को मिलता है बिटवीन डीएनए एंड आरएनए इज डीएनए में जो पेयरिंग होगी नाइट्रोजन बेस की होगी तो प्यूरिन और पायरिमिडिन की। अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पर हमेशा पेयरिंग किसकी हो रही है, बॉन्ड किसके बीच में बन रहा है, इट इज बिटवीन प्यूरिन एंड पायरिमिडिन। ए क्या है, प्यूरिन, तो पी क्या है, पायरिमिडिन। ए क्या है, प्यूरिन, टी क्या है, पायरिमिडिन। सी क्या है, पायरिमिडिन, तो जी क्या है, प्यूरिन। समझ आया, तो बॉन्ड इज बिटवीन प्यूरिन एंड पायरिमिडिन। ए टी सी जी की बॉन्डिंग किसमें देखने को मिलती है, ऐसे याद रखना, ए टी सी जी की बॉन्डिंग किसमें देखने को मिलती है, डीएनए, और ए यू सी जी की बॉन्डिंग किसमें देखने को मिलती है, आरएनए। क्लियर। अब सोचो विच वन इज कॉमन पायरिमिडिन इन केस ऑफ डीएनए एज वेल एज इन आरएनए। क्या है ऐसा जो डीएनए में भी कॉमन है और आरएनए में कॉमन है? क्या डीएनए के पास ए है? हाँ। क्या आरएनए के पास ए होता है? हाँ। लेकिन क्या एडिनिन पायरिमिडिन है? नहीं, हमने पढ़ा एडिनिन तो प्यूरिन है। तो क्वेश्चन क्या था, विच पायरिमिडिन इज कॉमन इन डीएनए एंड आरएनए? तो आंसर इज साइटोसिन। क्या साइटोसिन डीएनए के पास है? हाँ, साइटोसिन डीएनए के पास है। क्या साइटोसिन आरएनए के पास है? हाँ। तो साइटोसिन इज द वन पायरिमिडिन विच इज कॉमन इन डीएनए एंड आरएनए। गॉट द आंसर? ठीक। अब ये याद रखना कि थायमिन इज प्रेजेंट इन डीएनए और यूरासिल इज प्रेजेंट इन आरएनए। दो चीजें पढ़ी हमने, पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजन बेस। कोई भी पेंटोज शुगर, चाहे वो डीऑक्सीराइबोज शुगर हो या फिर राइबोज शुगर हो और नाइट्रोजन बेस, ये मिलकर क्या बना देते हैं, दिस मेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियोसाइट। न्यूक्लियोसाइट प्लस फॉस्फेट, न्यूक्लियोसाइट प्लस फॉस्फेट मेक्स न्यूक्लियोटाइड। फाइन, न्यूक्लियोसाइट प्लस फॉस्फेट मेक्स न्यूक्लियोटाइड। जैसे फॉर एग्जाम्पल न्यूक्लियोसाइट का एग्जाम्पल देखते हैं, तो देर आर सम न्यूक्लियोटाइड्स वी आर डिस्कसिंग न्यूक्लियोसाइट। फॉर एग्जाम्पल राइबोज शुगर एंड डीऑक्सीराइबोज शुगर, दीज आर टू पेंटोज शुगर। राइबोज शुगर के साथ अगर एडिनिन लगता है, क्या क्या चीजें लग सकती हैं राइबोज शुगर के साथ, तो एडिनिन, ग्वानिन, यूरासिल, राइट। इसी के साथ अगर एडिनिन लगता है तो आप इसे क्या बोलोगे, उस न्यूक्लियोसाइड को बोलेंगे एडिनोसाइन। एडिनोसाइन अगर ग्वानिन लगता है तो आप क्या बोलोगे, ग्वानोसाइन। ठीक। अगर साइटोसिन लगता है तो आप क्या बोलोगे, सिस्टिडिन। और अगर यूरासिल लगता है, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, यूरिडिन, राइट। ऐसे ही अगर शुगर ही कौन सा है, डीऑक्सीराइबोज शुगर है, तो डीऑक्सीराइबोज शुगर के केस में कौन कौन से नाइट्रोजन बेस लग सकते हैं, फॉर एग्जांपल एडिनिन लग गया, ठीक, तो ऐसे नाइट्रोजन न्यूक्लियोसाइड को क्या बोलेंगे, अगर एडिनिन लग गया तो आप बोलोगे डीऑक्सी एडिनोसाइन। सिंपल, ठीक है। अगर ग्वानिन लग गया तो यहां क्या बोलते थे, ग्वानोसाइन। यहां क्या बोलेंगे, डीऑक्सी ग्वानोसाइन।
एक साइटोसिन लग गया फॉर एग्जांपल, तो यहाँ क्या बोलते थे, सिस्टिडिन, यहाँ क्या बोलेंगे, डीऑक्सीसिस्टिडिन, सिंपल डीऑक्सीसिस्टिडिन। अब यूरासिल तो नहीं लग सकता, तो क्या लगेगा इधर, थाइमिन, क्योंकि डीऑक्सीराइबोज शुगर है, डीएनए में होगा, डीएनए में यूरासिल नहीं होता, हमने पढ़ा डीएनए में क्या होता है, थाइमिन होता है, तो थाइमिन के केस में क्या बोलोगे आप, डीऑक्सीथाइमिडिन, ठीक है, बस यही डिफरेंस है, डीऑक्सीथाइमिडिन, ठीक। देख लो एक बार, दो तरह के पेंटोज शुगर है, और मैंने बोला पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस मिलकर क्या बना देंगे, न्यूक्लियोसाइड, यही बताया, तो दिस इज न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड। अब मान लो न्यूक्लियोटाइड राइबोज शुगर से बन रहा है या डीऑक्सीराइबोज शुगर से बन रहा है, ये पेंटोज शुगर, दिस इज पेंटोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर एंड राइबोज शुगर, और ये क्या है नीचे, नाइट्रोजन बेस, और मिलकर क्या बना रहा है, न्यूक्लियोसाइड बना रहा है, राइट, क्या बन रहा है, न्यूक्लियोसाइड बन रहा है। तो आगे ध्यान दो, नेक्स्ट इज व्हाट, न्यूक्लियोसाइड, फॉर एग्जांपल कोई भी न्यूक्लियोसाइड है और फॉस्फेट ग्रुप मिल जाता है तो क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड, तो क्या स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, न्यूक्लियोटाइड, राइट, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड बन गया। फॉस्फेट ग्रुप हमेशा याद रखना लगा हुआ होता है फिफ्थ ओएच पर, फाइव डैश पोजीशन पर, न्यूक्लियोसाइड के फिफ्थ डैश पर क्या लगा हुआ होगा, फाइव डैश ओएच पर फॉस्फेट ग्रुप लगा होगा। तो व्हेन फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक्ड टू 5-OH ऑफ न्यूक्लियोसाइड थ्रू, अब सुनो, यहां पर मैंने बताया आपको कि एक्चुअली ये पेंटोज शुगर इज अटैच्ड विद नाइट्रोजन बेस, तो इन दोनों के बीच में कोई बॉन्ड होगा, राइट, द बॉन्ड वी सी इज एन ग्लाइको सिडिक बॉन्ड, N-glycosidic bond, the bond we see here between nitrogen base, which connects nitrogen base and nucleoside. यहां कौन सा bond होगा, the bond we see here is phospho, very important question, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है, कौन सा बॉन्ड होगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो दो बॉन्ड पढ़े हमने, क्या पढ़ा, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहां पर होगा, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस के बीच में, और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहां पर होगा, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट ग्रुप के बीच में, ठीक है। Now we are discussing discoveries related to structure and composition of DNA. The first is Friedrich Miescher. He identified DNA as an acidic substance. As an acidic substance inside the nucleus, which is present इन द न्यूक्लियस, ठीक, और उन्होंने इसको क्या नाम दे दिया, उन्होंने इसको नाम दे दिया, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर था तो इन्होंने इसको नाम दे दिया न्यूक्लीन, ठीक है, न्यूक्लीन नाम दे दिया। बाद में एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम क्या है, ऑल्टमैन। कब की बात है ये, 1839, और वो इस न्यूक्लीन को क्या नाम देते हैं, ऑल्टमैन इन 1899 इस न्यूक्लीन को नाम देते थे न्यूक्लिक
एसिड, और ऐसे इसका नाम पड़ता है न्यूक्लिक एसिड. देन कम्स अ साइंटिस्ट कॉल्ड लेविन. देन कम्स अ साइंटिस्ट कॉल्ड लेविन. लेविन क्या बताते हैं, 1910 की बात है ये. ही फाउंड डीएनए कंटेन्स फॉस्फोरिक एसिड. ठीक है, उन्होंने बताया था कि डीएनए के पास क्या होगा, फॉस्फोरिक एसिड मिला. ओके, एंड ही डिस्क्राइब्ड अबाउट फोर टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. ही डिस्क्राइब्ड अबाउट फोर टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. चार तरह के न्यूक्लियोटाइड हो जाएंगे ना ऑन द बेसिस ऑफ फोर टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेस, राइट. एंड देन कम्स एरविन चारगफ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. एरविन चारगफ रूल, इस पर बेस्ड कई न्यूमेरिकल्स भी एनसीईआरटी में है जिसको हम करेंगे. देखो ये बात है 1950s की. 1950s में आते हैं एरविन चारगफ. ये क्या बोलते हैं कि द रेशियो, ही स्टेट दैट द रेशियो बिटवीन एडेनिन एंड थायमिन एंड गुआनिन एंड साइटोसिन. ऐसा क्यों बोला, क्योंकि ऊपर क्या है ए और टी क्या है प्यूरिन, और नीचे क्या है सी और जी क्या है पायरिमिडिन. तो उन्होंने बोला रेशियो जो होगा प्यूरिन और पायरिमिडिन का वो हमेशा क्या होगा, वन होगा. ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, चारगफ्स रूल. ध्यान रखना इसको क्या बोलते हैं, चारगफ्स रूल. और यहीं से एक न्यूमेरिकल निकल कर आता है. दिस इज द न्यूमेरिकल विच सेज इफ अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हैज 20% ऑफ साइटोसिन, इफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हैज 20% ऑफ साइटोसिन, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ एडिनिन इन द डीएनए. तो देखो बोल रहा है कि 20% क्या है, साइटोसिन है. ठीक है, और हमेशा याद रखना जितना साइटोसिन रहेगा, जितना साइटोसिन होगा उतना ही क्या रहेगा, ग्वानिन. यानी कि 20% क्या हो गया, ग्वानिन. 20% अगर ग्वानिन है तो C plus G is equal to 40%, और 40% अगर C plus G है तो A plus T यानी कि 60%, और जितना एडिनिन होगा उतना ही थायमिन होगा. तो एडिनिन कितना होगा, 30%, और थायमिन कितना होगा, 30%. इजी, ठीक. तो इजी सा ये छोटा सा क्वेश्चन था. इफ अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हैज 20% ऑफ साइटोसिन, ऐसे ही क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछ लेगा. फॉर एग्जांपल उसने अभी एडेनिन दिया है, वो यूरासिल पूछ लेगा. तो सेम फॉर्मूला लगाना है, ठीक है.